हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा मेरा रिक्वेस्ट रहता है, फिर से आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जरूर जाएंगे, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है और इसमें साथ साथ बहुत सारे और भी कुछ कुछ आपको मिलेंगे। तो ये देखिए, क्वेश्चन मेरे को अरुण ने भेजा है और ये एक्चुअली क्लास 8 का, और ये जो चैप्टर है वो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा आपको हटके है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, और मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि मैं आपको इसको 100% जरूर समझाऊंगा। क्वेश्चन जैसे यह देखिए, ए रिवर इज 10 मीटर डीप एंड 100 मीटर वाइड, इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर रन्स इनटू द सी पर सेकंड। क्वेश्चन कहता है कि एक रिवर है जो कि 10 मीटर गहरा है, 10 मीटर डीप है, 100 मीटर वाइड चौड़ा है, चौड़ी है नदी, और उसका जो वहाँ जो फ्लो ऑफ जो ये है आपका, मतलब उसका जो स्पीड है, जो पानी का जो बहाव का स्पीड है, वो 4.5 किलोमीटर पर आवर है। तो क्वेश्चन कहता है कि एक सेकंड में समुद्र में, सी में कितना पानी जाता है, यानी हमको एक सेकंड में उसका वॉल्यूम को निकालना है। तो देखिए, वॉल्यूम को जब भी निकालना है, यहाँ पर सेकेंड से हमारा मतलब नहीं है। तो नदी की यदि बात करें, तो मान लिया जैसे ये एक नदी है, एक रिवर है हमारा, इस तरह की रिवर आपका हो सकता है। तो इस रिवर में आप देख रहे हैं, यहां से यहां ये जो कोना है, ये जो कोना है, ये आपका क्या कहलाएगा, यहां से यहां का ये जो डिस्टेंस है, ये आपका जो है ये कहलाएगा इसका विड्थ, मतलब इसका चौड़ाई। तो ये हो गया आपका 100 मीटर विड्थ हो गया। अब ये देखिए, ये डेप्थ कहलाता है, यहां से यहां जो है ये डेप्थ कहलाता है, ये जो है ये आपका डेप्थ है, ये जो डेप्थ है ये आपका दिया हुआ है 10 मीटर। अब बात किया जाए यदि ये, तो आप एक देख रहे हैं ये एक क्यूबॉइड के फॉर्म में है, ये आपका एक क्यूबॉइड के फॉर्म में है। क्यूबॉइड में आपको h देखिए, ये डेप्थ है यानी यहां पे h कहलाएगा, ये h मालूम है, ये b मतलब ब्रेड्थ इसका मालूम है, आपको l नहीं मालूम है। यदि आपको l मालूम हो जाए, तो आप सिंपली क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला है वॉल्यूम का, आप l इंटू बी इंटू एच निकाल देंगे, वॉल्यूम निकल जाएगा। अब इसके लिए क्या करना है आपको, इसका लेंथ, तो ये देखिए एक नदी है, ये अनलिमिटेड, इसका लेंथ जो है अनलिमिटेड है इसको आपने, लेकिन हमको किसकी बात करनी है यहाँ पे, वन सेकंड में। तो हम ये देखेंगे कि वन सेकंड में यदि यहां पर कोई एक ड्रॉप ऑफ वाटर है, ये ड्रॉप ऑफ वाटर वन सेकंड में कितनी दूर आएगी, वो तो वही उसका लेंथ कहलाएगा वो। तो देखिए, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, आप लिखेंगे फर्स्ट में लिखेंगे गिवन फॉर द रिवर, है ना, फॉर द रिवर आप समझ लेंगे इसको बी, बी इज ब्रेड्थ यानी विड्थ जो है वो है आपका 100 मीटर, एंड डेप्थ दैट इज आपको हाइट h कहलाएगा, दैट इज आपको 10 मीटर, एंड स्पीड ऑफ वाटर है ना, आप स्पीड ऑफ करंट भी बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ करंट पानी का जो बहाव है उसको करंट कहा जाता है, स्पीड ऑफ करंट जो है ये 4.5 किलोमीटर पर आवर। हमेशा याद रखेंगे जब भी क्वेश्चन दिया जाता है, आपको उस पर सबसे फर्स्ट ध्यान लगाना है कि उसके यूनिट को आपको देखना है। तो देखिए, यहां पर आपको क्यूबिक मीटर्स में निकालना है, ये यहां पे आपको ये किलोमीटर है, ये मीटर में चेंज हो जाना चाहिए, यहां पर सेकंड की बात हो रही है, ये पर आवर है, पर सेकंड होना चाहिए। तो यदि आप इसको चेंज करेंगे, तो आप क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 4.5 इनटू दैट किलोमीटर, किलोमीटर को यदि आप मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आवर देखिए ये बाई है, ये डिवाइडेड है, तो डिवाइडेड हो जाएगा क्या, यहाँ आवर जो है, आवर को आपको किसमें करना है, सेकंड में, तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, एंड देन 60 मिनट इज इक्वल टू 60 into 60 सेकंड, ये 1 आवर हो गया इतना, दैट मीन्स इतना ये मीटर पर सेकंड में आपको चेंज हो जाता है। यदि आप इसको करेंगे, तो ये डेसिमल को यदि हटाते हैं, तो इसके लिए आप जान लेंगे नीचे में आप क्या करेंगे, चूंकि इधर यह है 1 0 हो गया, आप सीधे सीधे जीरोस को जो है सो आप हटाते जाएंगे इसे, ये हो गया, और यदि ये और कम होता है तो ये 3 2 r 3 15 एंड 3 2 r 3 5 r, दैट इज आपको ये आएगा 5/4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आपको क्या हुआ, ये स्पीड है, इससे हमको फायदा क्या हुआ, 4.5 मीटर पर सेकंड मतलब हुआ एक सेकंड में 5 मीटर जाएगा, मतलब ये ड्रॉप ऑफ वाटर यदि यहां पर है तो यहां से ये एक सेकंड में यहां तक जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना कहलाएगा, ये आपका कहेगा 5/4 मीटर, यानी आपको अब यहां पर क्या मिल गया, लेंथ मिल गया। देयरफॉर आप लिखेंगे लेंथ, एल इज इक्वल टू 5/4 मीटर पर सेकंड, नहीं चूंकि ये लेंथ पर सेकंड मतलब एक सेकंड, और यहां पर सेकंड आपको निकालना है एक सेकंड में, तो आप ये निकाल लिए कि एक सेकंड में वो दूर कितनी दूर जाएगी, तो ये इतनी दूर जाएगी।
तो अब आप यहां पे क्या करेंगे, देयरफॉर लिखेंगे आप वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वन सेकेंड, इन वन सेकेंड, है ना, इज इक्वल टू आपका क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच, दैट इज 5/4, बी बी इज आपका 100 मीटर एंड एच, एच इज 10 एंड मीटर क्यूब, वॉल्यूम इज, चूंकि सभी यूनिट मीटर में है तो ये मीटर क्यूब हो गया, आप इसको ऐसे करके स्ट्राइक आउट कर देंगे, दैट इज आपको आ जाएगा 125 एंड 0, इतना, ये 1250 मीटर क्यूब आंसर, दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज गोइंग इन टू द सी इन वन सेकेंड, दैट इज 1250 मीटर क्यूब, ये चूंकि क्यूबिक मीटर में निकालना था इसीलिए एक स्टेप मैं और बढ़ रहा हूं, यदि आपको ये लीटर में कहा जाता तो आप क्या करते, दैट इज आप लिखेंगे और लिखेंगे, चूंकि 1 मीटर क्यूब हमेशा याद रखेंगे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, दैट इज इक्वल टू 1000 लीटर, यदि इसको लीटर में चेंज करना होगा तो 1250 इंटू 1000 यदि आप करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1250 एंड देन 000 लीटर, ये आपको निकालना है। तो मेरे ख्याल से आप फाइनली इसको समझ गए हैं, और यदि समझे हैं तो काइंडली आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। मैं एक और क्वेश्चन इसी तरह का लेकर चलता हूं इसका जस्ट नेक्स्ट वाला वीडियो में, तो थैंक यू सो मच, और खास करके जो आप अरुण, आपको मैं फिर से आपको थैंक्स कहता हूं कि आपने क्वेश्चन पूछा, और सभी लोग क्वेश्चन पूछेंगे, थैंक यू।